Hello children, we are going to study about value education subject, chapter 2, health and hygiene. हम पिछले एपिसोड में वीडियो में हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में स्टडी किए थे, उसके बारे में उसके वैल्यूज के बारे में कुछ रूल्स समझे थे और उस रूल्स के बाद उसके अकॉर्डिंग उस पर रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है. ब्रशिंग इज नो फन. ब्रश करना कोई मस्ती मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियसली के साथ हमें करना चाहिए और हमारे लिए बहुत ही मस्ट है. इसकी रूल्स रेगुलेशन एक छोटी सी स्टोरी में किस तरह से प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया गया है. थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको पहले के वीडियो में स्टडी करा दी थी, जिसमें रिया एंड रोहन नाम के बच्चे हैं. जो रिया तो हर चीज़ में एक्टिव है, लेकिन रोहन जो है थोड़ा लापरवाही करता है. वो कभी भी हैंड वॉश नहीं करता, ब्रश अच्छे से नहीं करता. तो उसको कैसे उसकी सिस्टर उसको समझाती है प्रैक्टिकल के थ्रू, बातों बातों में समझाती है और उसका भाई उसको मान भी जाता है. तो आइए स्टडी करते हैं. जब रिया अपने भाई को समझा रही थी कि प्रतिदिन हमें ब्रश करना चाहिए सुबह और रात को, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले मतलब डिनर के बाद हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए, तभी उधर से मम्मी की आवाज़ आती है. इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम. मम्मी बुलाती है कि चलो अब नाश्ते की समय हो गया है. तब उसकी बहन क्या कहती है, देयर समथिंग वी शुड डू बिफोर ईटिंग, सेड रिया. वॉश योर हैंड्स. तभी उसकी बहन उसको इशारे से कहती है कि खाने से पहले हमें कुछ करना चाहिए होता है. क्या करना चाहिए होता है, वॉश योर हैंड्स. ब्रेकफास्ट के लिए जब मम्मा आवाज़ लगाई तो उसका भाई दौड़ पड़ा खाने के लिए और तभी उसकी बहन उसको याद दिलाती है कि हमें खाने से पहले कुछ करना चाहिए होता है. और क्या करना होता है, पहले खाने से पहले हमें हमेशा वॉश हैंड करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. उफ, तभी उसका भाई कहता उफ, जैसे उसको मन नहीं करता धोने का, तो वो मुँह से आके भी उफ निकलते, ओह मम्मी मम्मी उफ. तो बट जिमी नेवर वॉशेस हैंड्स. लेकिन जिमी जो था उफ करके अपने हाथ को नहीं धोता है. तो रिया लाफ्ड एंड सेड, रिया हंसती है और कहती है, ही डजंट यूज हिज हैंड्स और पॉज टू ईट लाइक वी डू. अगर तुम अपने हाथों को हथेलियों को अच्छे से नहीं धोते हो, खाने से पहले नहीं धोते हो, तो वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विथ सोप टू गेट राइड ऑफ जर्म्स. ही डजंट यूज़ हिज. जब तुम अपने हाथों को थैलियों को खाने के लिए यूज़ करते हो, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विथ सोप और गेट राइड ऑफ जर्म्स. गेट राइड ऑफ जर्म्स. तो हमें अपने हाथों से जर्म्स, जो हाथ में जर्म्स बैठे होते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहिए. जो हमारे हाथों में जर्म्स बैठे होते हैं उनसे हमको पीछा छुड़ा लेना चाहिए हैंड वॉश करके. डू आवर हैंड्स ऑल्सो हैव जर्म्स ऑन देम. हमारे हाथों में भी जर्म्स होते हैं. तभी क्वेश्चन पूछता है, क्या हमारे हाथों में भी जर्म्स होते हैं. अभी तो कुछ देर पहले उसकी बहन सुनाती बता रही थी कि हमारे मुंह में, दांतों में, मुंह में चारों तरफ जर्म्स फैले होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. तो वो तो समझ गया, तो फिर हम ब्रश करने लगा. फिर अब खाने की बारी आती है, तो खाने से पहले भी हैंड वॉश करना चाहिए. हाथ में भी जर्म्स होता है क्या, ऐसा होता है क्या,
उसका भाई पूछ रहा, जर्म्स आर एवरीवेयर। जर्म्स मतलब कीटाणु सभी जगह होते हैं, सभी जगह होते हैं जो हमें दिखाई। ओफ, फिर जिमी करता है ओफ, जर्म्स सभी जगह होते हैं। हेयर कम्स जर्मी, हाउ कीटाणु, यहाँ कीटाणु। रिया सॉर्टेड, रिया चिल्लाई। चेसिंग रोहन, रोहन को पकड़ी। एंड बेविंग हर डर्टी हैंड्स, और उसके हाथों को अच्छे से धुलाया। उसकी वो उफ कह रहा है, अंसा रहा है, गुस्सा कर रहा है कि हाथ में भी जर्म्स होते हैं, उफ सभी जगह जर्म्स होते हैं, उफ। तभी उसकी बहन रिया जो है उसको बोलती है, हियर कम्स जर्मी, आओ यहाँ कीटाणु नाशक, यहाँ आओ। उसको कस के पकड़ी, चिल्लाई और उसके गंदे हाथों को धुलाया। उसका भाई चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है। लेटर, बाद में। रिया सो देखा रोहन द प्रॉपर वे टू वॉश हैंड, फिर बाद में देखती है रिया कि रोहन जो खुद से अपने मन से ही समय पर हैंड वॉश करने लगा, वो ब्रश करना सीख गया, अब हैंड वॉश भी करना सीख गया। सी टोल्ड, वह कही, वेट गिल्ला योर हैंड्स एंड क्लोज द टैप। अगर हाथ, फिर सिया कह रही है, वो हाथ धोने लगा बाद में जब देख रही है कि प्रॉपर हर समय वो अपने हाथों को धो रहा है। तभी उसकी बहन कहती है कि जब हाथ गीला हो जाए, हाथ को थोड़ा गीला करके नल को बंद कर देना चाहिए, ये नहीं कि रगड़ते रगड़ते तक नल खुला छोड़ने रहना चाहिए, क्योंकि पानी भी वेस्ट होता है इस तरह से। और हाथ भी अच्छे से नहीं धुलते, तो जब हाथ को हमें रब करते रहते हैं तब तक हमें हाथ गीला करके नल को बंद कर देना चाहिए। तभी उसकी बहन कह रही, देन रब, तब रब करना चाहिए, रगड़ना चाहिए। सम शॉप ऑन योर पाम, कुछ साबुन अपनी हथेलियों पर। एंड बैक ऑफ योर हैंड्स एंड बिटवीन ऑफ फिंगर, और पीछे रगड़ना चाहिए, फिंगर्स के बीच में रगड़ना चाहिए। वो बहन उसको सिखा रही है कि हाथ को थोड़ा गीला करो और फिर नल को बंद कर दो और अच्छे से हाथों को आगे पीछे उंगलियों के बीचों से रगड़ना चाहिए। स्क्रब योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड, अपने हाथों को 20 सेकेंड स्क्रब करना चाहिए, रगड़ना चाहिए, मलना चाहिए। नाउ अब इट्स टाइम टू रिंस ऑफ एंड ड्राई, और फिर उसके बाद हाथों को धो लेना चाहिए, खंगाल लेना चाहिए और सुखाना चाहिए। बट दिस टेक्स सो मच टाइम, कंप्लेंट रोहन, अब बहुत हो चुका। रोहन कह रही है बहुत हो चुका। रिमेंबर माई सीक्रेट, मेरी सीक्रेट याद रखो, याद है। आस्क रिया एंड रोहन स्माइल, रिया और रोहन स्माइल की। आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद। व्हेन दे केम बैक होम, जब वे लोग वापस घर आते हैं। रिया नज़्ड रोहन, रिया जो है रोहन की केहुनी से, अपनी केहुनी से उसको इशारा करती है। देयर समथिंग वी शुड डू फर्स्ट आफ्टर प्लेइंग, हमें खेलने के बाद सबसे पहला काम कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे केहुनी से उसको इशारा कर रही है, उसको कह रही है कि खेलने के बाद सबसे पहला काम हमें कुछ करना चाहिए। मम्मी टीस्ड, मम्मी चिल्लाई चीखी। प्ले शम मोर, बहुत ज़्यादा खेल लिए हो क्या? रिया रिप्लाई, टेक अ बाथ, रिया ने उत्तर दिया, हम अबे स्नान मतलब नहाना चाहिए, अब हमें नहाना है। मम्मी बोली, डोंट यू नो दैट जर्म्स आर एवरीवेयर, मम्मी क्या तुम नहीं जानती कि सभी जगह जर्म्स होते हैं?
मम्मी बोली कि क्या तुम नहीं जानते सभी जगह जर्म्स होते हैं, वी कांट सी देम बट दे स्टिक टू आवर स्किन एंड क्लोथ्स। इसे हम देख नहीं सकते, सभी जगह जर्म्स होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, उनको अपने स्किन और कपड़ों से स्टिक से बाहर भी नहीं निकाल सकते। That's why we must walk every day to get rid of them। इसीलिए हमें नहाना, अपने शरीरों से जर्म्स को निकालने के लिए हमें नहाना ज़रूरी होता है। जर्म से पीछा छुड़ाने के लिए हमें नहाना ज़रूरी होता है। Start by getting yourself wet। फिर उन लोग अपने आप को गीला करने लगे। Said मम्मी, मम्मी ने कहा। Then apply soap all over your body। अपने पूरे बॉडी पर सॉप मलो। रिया एंड रोहन गिगल्ड। रिया और रोहन को मम्मी जब नहला रही थी तो उन लोग को गुस्सा आ रहा था। As mummy's tickles fingers soap। tickles का मतलब होता है गुदगुदाना, TICKLIS, गुदगुदाना। जब मम्मी रिया और उसके बॉडी पे सॉप मल रही थी तो उनके फिंगर से, उनके गुदगुदी से उन लोगों को गुस्सा आ रहा था, खिस आ रही थी। देन इट्स टाइम रिंस ऑफ एंड ड्राई विथ अ क्लीन टॉवेल। फिर उसने बॉडी को क्लीन किया और फिर एक साफ सुथरे टॉवेल से उनको बॉडी को पोछा। सुपर क्लीन, सम क्लीन, उफ, फिर से उफ। इट्स जिमीज टर्न नेक्स्ट। इट्स जिमी टर्न नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है जिमी का, नेक्स्ट टाइम था। बैड टाइम कॉल्ड पापा। बेड टाइम कॉल्ड पापा। पापा कह रहे हैं चलो अब बिस्तर का टाइम हो गया, मतलब सोने का टाइम हो गया। पापा देयर समथिंग वी शुड डू फर्स्ट बिफोर गोइंग टू बेड, सेड रिया। फिर रिया कहती है पापा हमें सोने बिस्तर पे जाने से पहले हमें कुछ करना चाहिए होता है, कुछ करना होता है। पुलिंग रोहन अलोंग। फिर से रोहन को खींचती है। मेक द जर्म्स डिस्पायर विथ आवर मैजिक सीक्रेट। जर्म्स हमें हमारे इस मैजिक सीक्रेट से, जर्म्स हमारे गायब हो जाएंगे। हमारा जो मैजिक सीक्रेट है उससे जर्म्स हमारे गायब हो जाएंगी। रोहन नुडिट। रोहन अपना सर हिलाया। जर्म्स भगाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ह्यूमिंग अ सॉन्ग टू मेक ब्रशिंग फन एंड अवॉइड वॉशिंग आवर हैंड्स टू, सेड रिया। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, सेड मम्मी। ओह, अब रोहन है थोड़ा गुनगुनाने लगा, गान ब्रश करते समय गाना गाने लगा, गुनगुनाने लगा, हैंड वॉश करने लगा। रिया के ही दैट्स अ ग्रेट आइडिया, सेड मम्मी। तब मम्मी का ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। उफ, फिर से उफ। जम्प से लोग गाना गाने लगे। जम्प से यकी मक्की एंड डर्टी इज फन। आई से आई ब्रश एंड वॉश एंड आई नो आई हैव वन। जम्प से नेवर वॉश, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई से स्मेलिंग नाइस, विक्स ऑफ इज नो टाइम। Naughty germs, say don't pick up your things, the house looks better that way. I say I tidy up because I like my things, that is good way to end my day। इस तरह से उन लोगों ने एक छोटा सा गाना गुनगुनाने लगे। And I feel better is every way, Rohan and Riya enjoy taking care of themselves, do you? रोहन और किया हमेशा अपने आप को केयर करने लगे, स्वस्थ रखने लगे। तो क्या आप लोग भी करते हो? आज का मोरल ऑफ द स्टोरी है वी क्लीन वी हेल्दी। अगर हम अपने आप को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी कराएंगे। इसमें से आप हार्ड वर्ड चूज करेंगे और अपने नोट्स कॉपी में नोट करेंगे।